माइक स्टार्ट करूं इसको अपनी जेब में रखो, आगे कर लो। वैसे ऐसा बोलो कुछ। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज की क्लास में एक और अनसीन पैसेज आपके सामने है, और बढ़िया पैसेज है, छोटा सा है लेकिन अच्छा है, पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो एक किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट पर ये एक अनसीन पैसेज है, तो पहले आप इसको पढ़ते हैं, है ना? उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले 2-4 मिनट आप इसको, 2 मिनट आप इसको रीड करें पैसेज को, और जो वर्ड्स आपको मतलब कंफ्यूज कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, मीनिंग नहीं पता हो, तो उनको अंडरलाइन कर लेना आप लोग, है ना? तो उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, फटाफट से। और इससे पहले जो प्रैक्टिस करवाई जा रही है, क्या वो आप लोग पढ़ रहे हो, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? काफी पैसे हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले क्लासेस में, तो वो सब चीजें आप रिवाइज जरूर करते रहें घर पे दोस्तों, क्योंकि ये जो स्टैटिक पार्ट होता है ना, ये स्टैटिक पार्ट आपका प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा। इसमें कोई रूल्स, जनरली कोई रूल काम करता नहीं है, वो तो जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने बढ़िया तरीके से आपके उतनी अच्छी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगी। तो इसमें सारा जो ख्याल, जो आपको ध्यान रखना है वो है प्रैक्टिस का। तो प्रैक्टिस थोड़ा सा ज्यादा करें अभी सभी दो। और इसमें एक चीज और भी करते रहें, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उनके वोकैबुलरी को भी याद करते रहें, वर्ड्स को याद करते रहें, ठीक है? वही आपको बार बार जब रिपीट होंगे तो फिर आपको वहां से हेल्प मिलेगी। चलिए हो गया दोस्तों, छोटा सा पैसेज था, पढ़ लिया होगा आपने। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है द स्लैमिंग ऑफ द डोर्स एंड सॉरी द स्लैमिंग ऑफ द डोर्स हैड अराउज्ड मदर कॉमा शी पीप्ड आउट ऑफ हर रूम, व्हाट ऑन अर्थ आर यू बॉयज डूइंग। तो कह रहा है कि जो दरवाजे का बंद करने का जो साउंड है ना, द स्लैमिंग ऑफ द डोर्स हैड अराउज्ड मदर, क्या हुआ कि माँ हो सकता है सो रही हो, लेटी हो, लेकिन जैसे ही दरवाजे को जोर से उसको स्लैम किया, मतलब एकदम से तेजी से उसको लगा दिया या खोला, जैसे कि आवाज मतलब एक साउंड प्रोड्यूस हुआ, और उस साउंड से क्या हुआ कि उस साउंड ने क्या किया, माँ को अराउज कर दिया, उठा दिया। शी पीप्ड आउट ऑफ हर रूम, उसने अपने रूम से झांक के देखा, व्हाट ऑन अर्थ आर यू बॉयज डूइंग। अभी जो ऑन अर्थ का क्या मतलब है, यहाँ ऑन अर्थ का मतलब धरती पे नहीं है, ऑन अर्थ का मतलब है कि यहाँ इम्प्रिसाइज करने के लिए ये फ्रेज यूज किया जाता है, किसी पर्टिकुलर एक्शन को इम्प्रिसाइज करने के लिए यूज किया जाता है कि व्हाट ऑन अर्थ आर यू बॉयज डूइंग, कि तुम लड़के कर क्या रहे हो वहां पे, समझ रहे हो? तो उसको इम्प्रिसाइज करने के लिए ऑन अर्थ फ्रेज का यूज किया। शी डिमांडेड, शी डिमांडेड मतलब उसने पूछा, वहां से जानकारी ली, लेना चाहा कि भाई तुम कर क्या रहे हो वहां पे। हरमन वेंचर्ड आउट ऑफ हिज रूम, नथिंग ही सेड ग्रफली। और जो हरमन है वो अपने रूम से बाहर मतलब बाहर निकला। वेंचर आउट का मतलब होता है कि एक तरीके से मतलब सोचिए कि जहां पर सिचुएशन थोड़ी सी फेवरेबल ना हो, और अनफेवरेबल सिचुएशन में जब कोई आदमी बाहर निकलता है, और एक टाइप की एडवेंचरस सिचुएशन मान लीजिए कि मान लो कि घर में चोर घुसा आया है, ठीक है? तो घर में जब चोर घुसा आया होगा तो ऐसी सिचुएशन में जो माहौल होगा थोड़ा सा टेंस और डर वाला माहौल होगा, ऐसी सिचुएशन में अगर कोई हिम्मत करके बाहर निकल रहा है तो उसको बोलते हैं वेंचर आउट। तो कह रहे हैं कि हरमन वेंच आउट ऑफ हिज रूम, अपने रूम से बाहर निकलता है, बाहर से मतलब ऐसी सिचुएशन में,
और बाद में कहता है कि नथिंग ही शेड ग्रफली। ग्रफली का मतलब होता है टू स्पीक समथिंग इन अ वेरी हार्श मैनर, किसी से कुछ बोलना वो भी हार्श मैनर में, मतलब चिढ़ के बोल देना, कह रहे कुछ नहीं है यार, समझ रहे हो। किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, अब एक जवाब तो होता है सिंपली हमने बोल देना कुछ नहीं, और एक होता है चिढ़ के जवाब देना कुछ नहीं यार, समझ रहे हो। तो उसने ग्रफली बोल दिया कि ही शेड नथिंग, बट ही वॉज इन कलर, बट ही वॉज इन कलर अ लाइट ग्रीन। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या, बट ही वॉज इन कलर अ लाइट ग्रीन, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो लाइट ग्रीन कलर में था, इसका मतलब ये है कि ही वॉज फ्राइटेंड, थोड़ा बहुत डरा हुआ था वो, ठीक है। कलर लाइट कलर का मतलब यहाँ पर यही मतलब है कि नर्वसनेस थी, थोड़ा बहुत डरा हुआ था, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। वॉट वॉज ऑल दैट रनिंग अराउंड डाउन स्टेयर, तो उसने पूछा फिर से सवाल, मदर ने पूछा कि ये क्या है, डाउन स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से नीचे की तरफ, कौन है, कौन दौड़ रहा है नीचे, कौन मतलब कैसी आवाज आ रही है नीचे की तरफ, कोई जो जैसे सीढ़ियों से कोई बंदा दौड़ रहा हो सीढ़ियों के नीचे, ऐसे दौड़ने की आवाज क्यों आ रही है। डाउन स्टेयर्स मतलब नीचे वाले फ्लोर पर, ऐसा क्या हो रहा है जो दौड़ने जैसी आवाज प्रोड्यूस हो रही है। शेड मदर, मदर ने ऐसा कहा। सो शी हैड हियर्ड द स्टेप्स टू। अब ये सेंटेंस का मतलब समझो, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हरमन है ना बंदा, उसने भी कहीं ना कहीं ये साउंड सुना हुआ, तभी तो उसने ये सेंटेंस में ये क्या लिखा हुआ है कि शो शी हैड हियर्ड द स्टेप्स टू, मतलब उसने भी कदमों की आवाज सुनी थी, उसकी माँ ने भी कदमों की आवाज सुनी थी, इसका मतलब हरमन ने भी सुना होगा, यानी कि इसीलिए तो वो डरा हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन अब उसकी माँ ने भी बोला, इसका मतलब उसने भी मतलब इस बात से कंफर्म हो गया कि देर वॉज समवन एल्स, कोई ना कोई तो था वहां पर उन दोनों के अलावा। वी जस्ट लुक एट हर, वी जस्ट लुक एट हर, हमने उनकी तरफ देखा, हमने देखा मतलब माँ की तरफ देखा, मतलब ये दो लोग होंगे, हो सकता है हरमन उसका भाई हो, ठीक है, दो लोग हो सकते हैं, तभी तो बात हो रही है। फिर लिखा है वर्गलर्स, शी शाउटेड इंटेंटिवली, तो वो चिल्लाती है चोर, अटेंटिवली बोलती है कि चोर तो नहीं है, बर्गलर्स मतलब जो किसी के घर में चोरी के इरादे से घुसते हैं, चोरी करने के इरादे से घुसते हैं, तो क्या के लिए घुसे हुए, चोरी करने के लिए, उन्हीं को बर्गलर्स कहते हैं। तो शी शाउटेड इंटेंटिवली, इंटेंटिवली वर्ड का मतलब अटेंटिवली भी होता है, ठीक है, मतलब उस बात पर जोर देते हुए, ध्यान से मतलब जोर देते हुए उसको चिल्लाती है, जोर से बोलती है। आई ट्राइड टू क्वाइटन हर बाय स्टार्टिंग लाइटली डाउन स्टेयर्स, और मैंने उसको चुप कराने की कोशिश की, बाकी मैंने उसको चुप कराने की कोशिश की। क्वाइटन मतलब क्वाइट मतलब शांत होता है, चुप होता है, और क्वाइटन क्वाइट वर्ड में ईएन जोड़ के उसी को हमने क्या बना दिया, वर्ब बना दिया। तो आई ट्राई टू क्वाइटन हर, मैंने उसको चुप कराने की कोशिश की बाय स्टार्टिंग लाइटली डाउन स्टेयर्स, और धीरे धीरे हल्के कदमों से मैं डाउन स्टेयर्स की तरफ बढ़ने लगा। कम ऑन हरमन आई शेड, मैंने हरमन से कहा कि चल भाई, आई विल स्टे बैक विथ मदर, तो मैंने कहा कि मैं मतलब माँ के साथ रहूंगा। ही शेड शी इज ऑल एक्साइटेड, शी इज ऑल एक्साइटेड, कह रहे वो बहुत एक्साइटेड थी, एक्साइटेड मतलब वहां पर एक्साइटमेंट मतलब का वो मतलब नहीं, एक्साइटमेंट मतलब कि बड़ी खुशी थी, नहीं, एक्साइटमेंट मतलब यहाँ पर एक टाइप से नेगेटिव सेंस में होगा इसका मीनिंग, ठीक है। आई स्टेप्ड बैक ऑन द लीडिंग डोंट ईदर ऑफ, आई स्टेप्ड बैक ऑन द लीडिंग डोंट ईदर ऑफ यू गो आई स्टेप, सेड मदर, माँ ने बोला कि एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। नॉर डिड आई वॉन्ट द पुलिस, बट मदर मेड वन ऑफ हर क्विक इनकम्पेरेबल डिसीजन, और माँ ने बोला कि अगर नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, बट मदर मेड वन ऑफ हर क्विक इनकम्पेरेबल डिसीजन, और माँ ने एक बहुत ही क्विक डिसीजन लिया। शी फ्लंग ऑफ विंडो ऑफ हर बेडरूम विच फेस्ड द बेडरूम, मतलब वो क्या करती है कि अपना बेडरूम की विंडो की तरफ जाती है जो कि फेस करती है, विच फेस्ड द बेडरूम, तो विंडो जो बेडरूम की विंडो को फेस करती थी, ठीक है। विंडो ऑफ द हाउस ऑफ अ नेवर पिक्ड अप अ शू एंड बैम्ड इट थ्रो अ पैन ऑफ ग्लास, उसने क्या करा कि विंडो खिड़की से क्या करती है, खिड़की से एक जूता फेंक के मारती है, ठीक है,
और ये बैमेट का मतलब होता है मतलब शक्ति से फेंकना, और थ्रू तो जानती हूँ। पेन ऑफ ग्लास का मतलब जानते हो, पेन ऑफ ग्लास का क्या मतलब है? पेन ऑफ ग्लास का मतलब होता है जो खिड़की होती है ना, खिड़की में क्या होता है कि एक डिजाइन ऐसा जनरली देखा होगा आपने, ऐसा होता है खिड़की में नॉर्मली, ये मान लो एक ऐसी खिड़की लगी हुई है, ये दो दरवाजे हैं, तो एक इस तरह से दरवाजों के बीच में भी ऐसा होता है मतलब शीशा, एक शीशा इतना, एक इतना, एक इतना, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे तो इस पर्टिकुलर पार्ट को मतलब ये जो पार्ट होते हैं इनको पैन कहते हैं, ठीक है? तो बोले उसने खिड़की से जूता फेंक के मारा, बस खत्म हो गया। अब जरा इसको पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है ये। पहला क्वेश्चन है, आप इसको रिप्लाई करो, आंसर करो उसका, क्या आंसर होगा? हरमन वॉन्टेड टू रिमेन विथ मदर, हरमन माँ के साथ क्यों रहना चाहता था, क्यों रुकना चाहता था? तो क्या लिखा, आई स्टे बैक विथ मदर ही सेड, शी इज ऑल एक्साइटेड। देखो ये लिखा हुआ, आई स्टे बैक विथ माई मदर, मैं माँ के साथ रहूंगा, क्यों? ही सेड शी इज ऑल एक्साइटेड, वो एक्साइटेड थी। तो अब ऑप्शन आपके सामने है, हाँ ऑप्शन आपके सामने कह रहा है, शी वॉज एक्साइटेड, ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट हर, ही वॉज लेजी टू क्लाइम डाउन द स्टेयर केस, और ही वॉज फ्राइटेंड। तो बताइए क्या वजह थी दोस्तों, क्यों रुकना चाहता था माँ के साथ? सीधा सीधा आंसर छपा हुआ तो है, शी इज ऑल एक्साइटेड, इसलिए उसको रोकना चाहता था कहीं ऐसा ऐसा काम ना कर दे। अगला बे भाई, अगला है, हु और व्हाट वुड बी रनिंग अराउंड डाउन स्टेयर, कौन था या क्या था जो डाउन स्टेयर्स मतलब नीचे वाले फ्लोर पर दौड़ लगा रहा था? रैट्स चूहे थे, मदर, बर्गलर्स, द ब्रदर्स, कौन थे, कौन था बताइए दोस्तों? टू ब्रदर्स थे, द ब्रदर्स थे, रैट्स थे, बर्गलर्स था। देखो बर्गलर के बारे में तो उसने पूछा था कि क्या चोर है क्या वहां पर, लेकिन चोर है या नहीं ये तो वहां क्लेरिफाई हो ही नहीं पाया, तो फिर इसका मतलब वो दोनों भाई ही थे, द ब्रदर्स, चूहे वगैरह नहीं थे, द ब्रदर्स वर देयर, ठीक है? तो चिल्ला के बोला उसको, आवाज आई तो उसको लगा कि शायद कोई है, बट वहां पर था कोई नहीं एक्चुअली। व्हाट वाज द डिफिकल्टी इन कॉलिंग द पुलिस, पुलिस को बुलाने में समस्या क्या आ रही थी? द फोन वॉज डाउन स्टेयर्स, देयर वॉज नो फोन इन द हाउस, मदर डिड नॉट वॉन्ट टू कॉल द पुलिस वुड नॉट कम। अगर ये जरा पीछे देखते हैं क्या लिखा था, क्यों दिक्कत क्या थी? सिंस आई स्टेप बैक, यहाँ लिखा था, फिर लिखा कि वेल स्टेप बैक, बी कॉल द पुलिस, सिंस द फोन वाज डाउन स्टेयर एंड आई डिडंट सी हाउ वी आर गोइंग टू द विंडो ऑफ द बेडरूम विच फेस द विंडो ऑफ द हाउस ऑफ नेबर्स बेडरूम। तो दोस्तों यहाँ पर दिक्कत क्या थी कि वो फोन ना लगा पाने में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो फोन था ना, सिंस द फोन वॉज डाउन स्टेयर्स, फोन भी नीचे वाले फ्लोर पे ही था, इस वजह से फोन नहीं लगा पाए। इसका मतलब आंसर होगा द फोन वॉज डाउन स्टेयर्स, ठीक है? बाकी ऑप्शन गलत हो गए। अगला, ही वॉज इन कलर, अ लाइट ग्रीन का मतलब क्या है? कह रहा है बीमार था, बहुत सिक, वॉज फ्राइटेंड, क्या डरा हुआ था, द रूम हैड अ ग्रीन लाइट, कह रहे रूम की लाइट ग्रीन थी इसलिए वो ग्रीन लग रहा था, कह रहा हिज ड्रेस वॉज ग्रीन इन कलर, कह रहा वो उसकी जो ड्रेस थी ना वो हरे कलर की थी। ये तो सब बातें हैं ना, ये है ना ये है, ये आंसर है, वो डरा हुआ था, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं ही वॉज इन द लाइट ग्रीन, मतलब डरा हुआ था, फ्राइटेंड स्टेट में था वो। चूज द टाइटल मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द पैसेज, क्या पैसेज के लिए क्या टाइटल रखोगे? कॉल द पुलिस, मदर्स टाइमली एक्शन, मिस्टीरियस साउंड इन द लाइट, बिवेयर ऑफ बर्गलर्स। सही आंसर है ये कि माँ का टाइमली एक्शन था जिस वजह से जो भी था वो मैटर हो नहीं पाया, ठीक है? चलो अगला पैसेज आपके सामने ये रहा,
और इसको आराम से पढ़ो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। पढ़िए दोस्तों नेक्स्ट पैसेज। दो चार मिनट का वीडियो फटाफट से पढ़ लिए जल्दी से। पढ़ लिया क्या? चलिए पढ़ते हैं। साइबर बोगीज। द साइबर वर्ल्ड इज अनटाइमली अनगवर्नेबल, दिस इज अलार्मिंग एज वेल एज कन्वीनियंट। कह रहे जो साइबर वर्ल्ड है ना अनटाइमली है, कोई उसका मतलब निश्चितता नहीं है और अनगवर्नेबल भी है। गवर्नेबल भी मतलब नहीं है प्रॉपर तरीके से कि उसको गवर्न किया जा सके, क्योंकि आप जानते हो कि साइबर अटैक जनरली होते रहते हैं, इनको प्रॉपर तरीके से गवर्न नहीं किया जा सकता। दिस इज अलार्मिंग एज वेल एज कन्वीनियंट, मतलब ये सुविधाजनक तो है ही लेकिन साथ ही साथ चिंताजनक भी है, अलार्मिंग भी है। समटाइम्स कन्वीनियंट बिकॉज अलार्मिंग, बोले कभी कभी ये कन्वीनियंट भी हो जाता है क्योंकि ये अलार्मिंग है। सम इंडियन पॉलिटिशियन यूज दिस टू ग्रेट एडवांटेज, बोले कुछ इंडियन पॉलिटिशियन है ना वो इसका प्रयोग करते हैं बड़े बड़े फायदे लेने के लिए, ग्रेट एडवांटेज के लिए। वेन देर इज एन ओबियस फेलियर इन गवर्नमेंट ड्यूरिंग ड्यूरिंग अ क्राइसिस, दे डिफ्लेक्ट अटेंशन फ्रॉम देयर ओन इनकॉम्पिटेंसी टूवर्ड्स द अनगवर्नेबल, टूवर्ड्स अनगवर्नेबल। देखो क्या होता है कि कई बार जो ये बहुत अच्छी बात बोल दी है कि जो साइबर प्रॉब्लम है ना, साइबर वर्ल्ड है ना, ये बहुत ही जिसको आजकल लोग बहुत यूज करते हैं, मतलब जो बड़े लोग होते हैं ना इन्फ्लुएंसर, वो तो जरूर इसको यूज करते हैं। देखिए कैसे, आप ऐसे समझ लो, मतलब ये भी पार्ट है साइबर का ही। जैसे आप देखते होगे कि प्रोपेगेंडा चलाना, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो प्रोपेगेंडा चला रही है, या अपोजिशन पार्टी है वो रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा चला रही है, क्योंकि उनको पता है ना कि हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है ना वो पढ़ी लिखी नहीं है। और जो पढ़े मैक्सिमम तो नहीं कहना चाहिए लेकिन ये कहना चाहिए कि सर्टेन पार्ट है जो पॉपुलेशन का वो पढ़े लिखे नहीं है। और अगर हम बात करें जुडिशियस लोगों की, पढ़ना लिखना एक अलग बात होती है, जुडिशियसनेस होती है वो अलग चीज होती है। कि अगर हम जुडिशियस लोगों की बात करें ना, तो जितने लोग हमारे लिटरेट है ना उससे भी, उसके आधा भाग भी अगर हम बात करें तो शायद आधा परसेंट भी, मतलब उसके आधे लोग भी जुडिशियस नहीं है। जुडिशियस मतलब कि सिचुएशन को देखें, दोनों सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से उसका एनालाइज करें, देन मेक द डिसीजन, ऐसे लोग नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी हमारे यहाँ के वन साइडेड स्टोरी सुन के समझ के सीधे डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ यार यही होगा, तो इसी को हम कहते हैं कि दे आर नॉट जुडिशियस इनफ टू मेक प्रॉपर डिसीजन। तो ये समस्या हमारे साथ हो रही है। अब इस चीज को पॉलिटिशियन अच्छे से जानते हैं क्योंकि पॉलिटिशियन भी हम में से एक है, हमसे ही निकला हुआ है वो, तो वो अच्छे से जानता है कि यार हमारे देश के लोगों को कैसे बेवकूफ बनाना है। अब पर्टिकुलर मान लीजिए कोई चीज है जिसको लेकर गवर्नमेंट फेलियर, किसी गवर्नमेंट कुछ उनका अपना कुछ प्लान था और वो उसको अचीव नहीं कर पाए, तो अचीव नहीं कर पाएंगे तो वो क्या करेंगे, उसके लिए कुछ उसके उसके उसको छुपाने के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाएंगे, और उस प्रोपेगेंडा से क्या करेंगे, लोगों का दिमाग उस फेलियर से हटाकर
किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ वो वहां पर लगा देते हैं, ताकि इंसानों का ध्यान वहां बना रहे और लोग इस तरफ सोच ही नहीं पाए। देखो यार, मैं किसी गवर्नमेंट को, या अब क्या है ना कि अब कुछ भी बात करेंगे तो लोग इसको गलत ले जाएंगे। बाकी मैं ऐसा किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, एक करंट सिनारियो है, उसकी बात हो रही है। अब क्या बोलना चाहिए यार, करंट टाइम में अगर हम बात करें तो हमारे देश की अभी इस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, वो दो ही प्रॉब्लम है। एक तो है इन्फ्लेशन, महंगाई की प्रॉब्लम है, और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि अनएम्प्लॉयमेंट। ये दो बहुत बड़ी बड़ी समस्या है जो भारत की समस्या है। लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों, कि आप देखना न्यूज चैनल पर, डिबेट्स में, कहीं पर भी आप जाओगे ना, मेयरली इन दोनों टॉपिक को डिस्कस किया जाता है। मेयरली कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा उसको, उनके पास इन मुद्दों पे बात करने के लिए बात ही नहीं है। ठीक है, वो सारा ध्यान इन जो मेन जो टॉपिक हैं जिन पर डिस्कशन होना चाहिए, उन पर ना होते हुए डिस्कशन ऐसी चीजों पे होगा जो कि इतनी लॉजिकल है कि मतलब कई बार ऐसा लगता है कि यार कि हमारे मीडिया का क्या स्टैंडर्ड हो गया है। ठीक है, मतलब वो वाली बात है ना कि फ्री प्रेस, हमारा जो मीडिया उतना फ्री भी नहीं है। कहीं ना कहीं ये लिंक करता ही है पावरफुल लोगों से, उनके इन्फ्लुएंस में आके ही जैसा न्यूज देना होता है वैसा ही न्यूज ये डिलीवर करते हैं। अब आप खुद देखिए यहाँ पर, कि आपने देखा भी होगा रिसेंटली एक बहुत मुद्दा चलता रहा। कौन सा मुद्दा? मतलब हमारी ये करंट टाइम की बड़ी प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन बहुत बड़ी समस्या है, और दूसरा कि अनएम्प्लॉयमेंट। मैं मानता हूँ कि इन्फ्लेशन अगर हम वर्ल्ड से कंपेयर करें, वर्ल्ड वाइज, तो इंडिया में फिर भी बहुत कम इन्फ्लेशन है, नो डाउट। लेकिन पता क्या है, बात वो नहीं है दोस्तों, बात ये है कि अगर महंगाई 4 व्हीलर्स पे होगी, ठीक है, बड़ी बड़ी चीजों पर महंगाई होगी ना, तो लोगों को इतना वो लोग माइंड नहीं करेंगे। माइंड करेंगे, लेकिन जो 4 व्हीलर्स है ना, उसको खरीदने वाला भी कोई जनरली मिडिल क्लास या लोअर क्लास का लोग जनरली नहीं खरीदते हैं। नॉर्मली मिडिल क्लास भी खरीद लेते हैं, लेकिन नॉर्मली जो कार खरीद जाती है, अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास के लोग खरीदते हैं, जो कि उन्हें इस बात को लेकर कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वहां पर क्या है कि खाने की प्रॉब्लम होने लगती है। ज्यादा तो एक्सपेंडिचर इस टाइम पे फूड पर है, दाल हो, चावल हो, आटा हो, तेल हो, ये जो चीजें ना, इन पर ज्यादा खर्चा होता है और यही महंगे हैं। जबकि इनको हम एक प्रॉपर इन इन पर काफी चीजें कम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका अलग मुद्दा हो जाएगा, इसमें बात नहीं कर रहे। मेरा मेन टारगेट, मेन मुद्दा ये था कि ये जो टॉपिक जिस पे बात हो रही है ना आज, उसका कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिशियन है ना, जो अपनी फेलियर होती है, अपनी फेलियर को छुपाने के लिए वो क्या करते हैं, कोई दूसरा टॉपिक छेड़ देते हैं और वो प्रोपेगेंडा चलता रहता है और लोग उसी पर बात करते रहते हैं। और हमारे लोग ये है कि उनका ध्यान हट भी जाता है, महंगाई से ध्यान हटकर हम सारा ध्यान वहीं पर ध्यान देने लगते हैं कि अरे यार, हाँ यार, ये सही मुद्दा चल रहा है। जैसे भी वो सीमा हैदर वाला मैटर आया था, हालांकि ये बातें करनी नहीं चाहिए, बहुत ही बहुत तुच्छ बातें हैं, लेकिन सीरियसली उससे ये इस बात का ये इंडिकेशन मिलता है कि आप जरा सोच के देखें कि स्टैंडर्ड क्या है हमारे मीडिया का, किन मुद्दों पे आप बात कर रहे हो, इंडिया में क्या टॉपिक नहीं है, वर्ल्ड वाइड क्या क्या चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, आपके पास ये बताने को नहीं है क्या, किन मुद्दों पे बात कर रहे हो यार, समझ रहे हो, ये बातें चल रही है इसमें। चलो अब आगे देखो क्या कहता है, आगे क्या बोला टॉपिक में, इसमें पैसेज में क्या बोला जा रहा है। सो हैविंग फेल्ड टू प्रिवेंट नर्वस सिटीजन फ्रॉम फ्लेइंग, बोले जो नर्वस सिटीजन है ना, वो राज्य या शहर छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको रोकने में असमर्थ हो गए, उनको रोकने में असमर्थ हो गए, तो पता क्या करते हैं, देयर सिटीज बाय वर्क बाय एसरिंग देम ऑफ प्रॉपर प्रोटेक्शन। तो उन्हें काम का प्रॉपर सिक्योरिटी देने की बजाय, वर्क की प्रॉपर सिक्योरिटी देने की बजाय, मतलब दे ही नहीं पाए, तो क्या कर रहे हैं, उसको ना तो वो रोक पाए और ना ही उसको उनको प्रॉपर काम की सिक्योरिटी दे पाए। अगर ये लोग उनको रो मतलब अगर प्रॉपर काम की सिक्योरिटी दे पाते, तो वो लोग क्या शहर छोड़ के भागते क्या? नहीं। तो ये एक उनका फेलियर है कि लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर रोजगार का, जॉब का प्रॉपर एक सिक्योरिटी आप नहीं दे पा रहे हो लोगों को, तो ये एक बड़ा फेलियर है। अब इसको ढकने के लिए क्या करेंगे, कोई ना कोई ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ टॉपिक आ जाएगा बीच में, कि फिर उस पर ही 2-4 10-12 दिन उस पर ही बात होगी, तो उससे फिर लोगों का, आम इंसानों का उस पर से ध्यान हट जाता है,
और वो उनका ध्यान चलता रहता है कहाँ पर, जो वो दिखाना चाहते, पर उसी पे बात चलती रहती है। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, सम नेशनल लीडर्स आर नाउ बिजी ट्राइंग टू प्रूव टू वन अनदर एंड टू पैनिक प्रोन इंडियंस दैट मिस्चीवियस नेबर हैज बीन यूजिंग द इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स टू स्प्रेड डेंजरस रूमर्स। अब देखो क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि भैया जो नेशनल लीडर्स है ना, वो इस समय बिजी हैं एक दूसरे को प्रूव करने के लिए, मतलब एक लीडर दूसरे पे लगा है आरोप प्रत्यारोप करने के लिए, तुम गलत हो, तुम चोर हो। मैं किसी एक नेता की नहीं बोल रहा हूँ, हमारा पॉलिटिक्स है, हमारा जो पॉलिटिक्स सिस्टम है सीरियसली बहुत खराब पॉलिटिक्स सिस्टम है। शायद ही एक आध पार्टी में एक आधी बंदा आपको ऐसा मिलेगा कि यार नहीं यार ये बंदा सही है, इसको वोट देना चाहिए, नहीं तो मैक्सिमम लीडर आपके यहाँ पर देखोगे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो भी इन्हीं चीजों में घुला मिला हुआ है। ठीक है, उसकी वजह जितना वो है ना उससे ज्यादा हम है, क्योंकि हम ही तो लेके आते हैं इस लीडर्स को। लिखा कि नेवर हैज बीन यूजिंग द इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट टू स्प्रेड डेंजरस रूमर्स। बोले कुछ नेवर है, पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, पड़ोसी लोग भी हैं, वो क्या कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का यूज करके डेंजरस डेंजर की रूमर्स फैला रहा है, फालतू की अफवाह फैला रहा है जो कि रिलेटेड टू डेंजर है। सपोज किसी ने इंटरनेट पे किसी पर्टिकुलर शहर में ये एक पोस्ट डाल दी कि पर्टिकुलर मॉल के अंदर दिन में 12:45 पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होगा, मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं नॉर्मली, किसी का नाम नहीं लिया मैंने, तो ये क्या एक रूमर है। अब इस रूमर फैलाने की वजह से क्या हुआ कि भले ही लोग इसको दुनिया की किसी चीज को सच ना माने, लेकिन जब बात ऐसी चीजों पे आती है ना सिक्योरिटी पे, तो लोग बिलीव करते हैं, भले 10% ही करें लेकिन करेंगे बिलीव। तो उससे क्या होता है कि शहर का माहौल भी खराब होता है दोस्तों, तो ये रूमर्स वगैरह फैला देते हैं यूज करके, ये मिस यूज हो गया उसका। एंड द सेंटर इज ऑटोमेटिक रिएक्शन सेंटर्स ऑटोमेटिक रिएक्शन इज टू स्टार्ट ब्लॉकिंग दीज साइट्स एंड बिगेन एलेबोरेट एंड पोटेंशियली एंडलेस नेगोशिएशन विथ गूगल ट्विटर फेसबुक फेसबुक अबाउट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि भैया क्या करते हैं कि बाद में सेंटर का तो एक ही रिएक्शन होता है ऑटोमेटिक, कि जहां से आया ये रूमर्स आई उसी को ब्लॉक कर दिया साइट को, और बाद में एक लंबा नेगोशिएशन चलेगा किसके साथ, गूगल पर आया तो गूगल से, ट्विटर से आया तो ट्विटर से, फेसबुक से आया तो फेसबुक से, कि भैया किस टाइप की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने देना है। इफ दिस इज द ऑफिशियल आइडिया ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन एट अ टाइम ऑफ क्राइसिस अमंग कम्युनिटीज, देन इंडियंस हैव मोर रीजंस टू फियर देयर प्रोटेक्टर्स फियर देयर प्रोटेक्टर्स देन द नेबुलस मिस्चीफ मेकर्स ऑफ द साइबर वर्ल्ड। तो बोले कि अगर ऐसा वास्तव में है, अगर ये एक प्रॉम्प्ट एक्शन है जो गवर्नमेंट ले रही है आपकी, तो भाई फिर इंडियन को ना ज्यादा उनसे डरना चाहिए जो उनको बचा रहे हैं, जो उनके बचाव करता है, समझ रहे हो, ना कि उनसे डरे जो कि उनको इस सिचुएशन में पुट कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो आप। कह रहे कि अगर ये आपका सिचुएशन को डील करने का एक प्रॉपर तरीका है कि आप क्या कर रहे हैं कि अगर किसी ने ऐसी रूमर फैला दी, ऐसी कोई जानकारी दे दी है, तो आप उसको डील कैसे कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि भाई इस वेबसाइट को ब्लॉक कर दो, ठीक है, जिस वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन आई है उस वेबसाइट को ही ब्लॉक कर दो। तो अगर ये एक तरीका है आपका चीजों को डील करने का, तो वो ये कह रहा है कि पर इंडियंस को ना वास्तव में जो लोग उनको ऐसी थ्रेट दे रहे हैं उनसे डरने के बजाय ज्यादा डरना चाहिए उनके अपने प्रोटेक्टर से, क्योंकि उनके कोई एक प्रॉपर जेन्युइन प्लान नहीं है उनको बचाने का। ठीक है, ये कहा जा रहा है। अच्छा आगे देखिए, वेस्टिंग टाइम गैदरिंग प्रूफ ब्लॉकिंग वेगली सस्पिशियस वेबसाइट अक्रॉस द बॉर्डर एंड वरिंग अबाउट बायलेटरल रिलेशन आर वेज ऑफ कीपिंग बिजी विद इन एजेंसीज बिकॉज वन डज नॉट क्वाइट नो वॉट टू डू अबाउट द एजेंसियल ऑफ डिफिकल्ट सोल्यूशन सिचुएशन। कहने का मतलब ये है कि क्या चल रहा है, कह रहे हैं वेस्टिंग टाइम गैदरिंग प्रूफ, मतलब प्रूफ को गैदर करने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं,
प्रूफ गैदर करने में, साइट को ब्लॉक करने में, कैसी साइट जो कि वेगली सस्पिशियस वेबसाइट है उनको ब्लॉक करने में, ठीक, और एक्यूजेशन एक दूसरे पर, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में, है ना, अक्रॉस द बॉर्डर। अब बॉर्डर में भी हम लगे हुए हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तानी तरफ से कोई थ्रेट आ गया, थ्रू एनी वेबसाइट, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं इन चीजों में करने की बजाय, या इन चीजों चिंता कर रहे हो कि अगर इंडिया चाइना की बात हो रही, चाइना की तरफ से कोई थ्रेट आ गई, साइबर थ्रेट आ गई, तो हम अब उस पर इसलिए एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे बायलेटरल रिलेशन खराब ना हो जाए। तो इन चीजों में बने रहने की बजाय उनको एक्चुअली काम करना चाहिए, इन वेस्ट मत करो टाइम। ये टाइम वेस्ट करना है कि प्रूफ गैदर कर रहे हैं, ऐसी वेबसाइट को ब्लॉक कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, बॉर्डर के इस तरफ उस तरफ की अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें इससे एक्शन लेने से डर रहे हैं कि भाई हमारे बायलेटरल रिलेशन खराब ना हो जाए, द्विपक्षीय संबंध खत्म ना हो जाए, ट्रेड वगैरह को लेकर वो चीजें गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। बल्कि करना ये चाहिए, उन्हें जो करना चाहिए वो ये कि डिफिकल्ट सिचुएशन में नेसेसरी स्टेप लेने चाहिए इसको डील करने के लिए। लेकिन सही बात तो ये करो, खुद ही नहीं पता, वन डज नॉट क्वाइट नो, वन डज नॉट का मतलब उनमें से कोई बंदा जानते नहीं है। एक व्यक्ति है जिसको जानना चाहिए कि हमें प्रॉपर एक्शन क्या होना चाहिए, सीक्वेंस ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए प्रॉपरली क्या एक्शन लेना चाहिए, वो पता ही नहीं उनको। जब पता ही नहीं है तो एक्शन लेंगे क्या, तो बस यही करेंगे, एक दूसरे को आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना, सबूत मांगना, सबूत देना, बस यही चलता रहेगा। बिसाइड्स ओनली अ फिफ्थ ऑफ द 245 वेबसाइट ब्लॉक्ड बाय द सेंटर मेंशन द पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट आइलैंड्स इन आसाम। कह रहे बिसाइड ओनली, बिसाइड कि अतिरिक्त होता है यहाँ पर, कि कितना हुआ, 20%। 20% जो टोटल वेबसाइट थी 245 की, उनको ब्लॉक किया गया है सेंटर के द्वारा। क्यों किया गया, बाय द सेंटर मेंशन द पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट और वायलेंस इन आसाम। सरकार ने तो क्या करा कि जो टोटल 245 वेबसाइट थी ना, उनमें से 20% को ब्लॉक कर दिया, इसलिए कर दिया क्योंकि दे मेंशन द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट और द वायलेंस इन आसाम। उन्होंने या तो आसाम के वायलेंस को मेंशन करा या वहां के लोगों को, तो उसके इतना करने से इनको ब्लॉक कर दिया सीधा। एंड इफ आस्किंग मोर्फ इमेज एंड स्पूरियस टेक्स्ट अनसेटल एन एंटायर नेशन, देन देयर इज समथिंग डीपली रॉन्ग विथ द नेशन एंड विथ हाउ इट इज बीइंग गवर्न। कहने का मतलब है कि मोर्फ इमेज, मोर्फ जिसको जिसके साथ कुछ छेड़छाड़ की गई हो इमेज के साथ, प्रॉपर जो सही इमेज है ना, फेक इमेज करना एक तरीके से। तो कह रहा है एक फेक इमेज और थोड़ा बहुत, उसको क्या कह सकते हैं यार, जिसको एडिटेड इमेज कहते हैं, एडिटेड प्रॉपर वर्ड है। तो कह रहा है एडिटेड इमेज और स्पूरियस टेक्स्ट, कोई ऐसा टेक्स्ट जो स्पूरियस हो, फेक हो, इतना सा चीज ही पूरे देश को, अगर नेशन को अनसेटल कर सकता है, देन देयर इज समथिंग डीपली रॉन्ग विद द नेशन। जरा सोचिए ऐसी सिचुएशन में देश के साथ वास्तव में कोई बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, एंड विद हाउ इट इज बीइंग गवर्न, और इस बात पर भी कि ये किस तरह से इसको गवर्न किया जा रहा है। दिस इज व्हाट इट्स लीडर शुड बी एड्रेसिंग इमिडिएटली, और ये वो चीजें जिसको लीडर्स को एड्रेस करना चाहिए, बजाय इसके रेदर देन मेकिंग रॉन्ग हेडेड डिस्प्ले ऑफ देयर पावर ऑफ सेंसरशिप। तो उनको इस पर बात करनी चाहिए बजाय इसके कि अपनी शक्तियों का, सेंसरशिप की शक्तियों का गलत प्रदर्शन करने की बजाय उन्हें इन चीजों को एड्रेस करना चाहिए। दिस टॉपिक मस्ट बी एड्रेस्ड विद द पीपल ऑफ द नेशन। ये बढ़िया टॉपिक था दोस्तों, आपने पढ़ा होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन से आंसर सेशन, पहले आप अटेम्प्ट करें आपके सामने क्वेश्चन। क्या हो गया भाई,
ये भी थोड़ा और बचा है मेरे ख्याल से, मुझे लगा कि शायद खत्म ही हो गया। ठीक है चलिए इसको भी देख लो क्या लगा। इट इज जस्ट एज एब्सर्ड एंड एंड पार्ट ऑफ द सेम सिंड्रोम टू ट्राई टू बैन ट्विटर अकाउंट्स दैट पैरोडी डिस्पैच फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ठीक है, फिर ये लिखा है टू डिस्क्राइब सच फॉर्म्स ऑफ ह्यूमर एंड डिसेंट एज मिस रिप्रेजेंटिंग द पीएमओ एज इफ ट्विटर्स वुड टेक दीज पैरोडीज फॉर जेन्युइन डिस्पैच फ्रॉम द पीएमओ मेक्स द पीएमओ लुक मोर रिडिकुलस देन इट्स पैरोडी मैनेज टू। डिड द प्रेसिडेंट कॉल सच एक्शन सेट रिसेंटली बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। दिस इज एट अनदर प्रूफ दैट व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया विल थिंक टुमारो यूजिंग द साइबर वर्ल्ड फॉर फ्लेक्सिंग द रॉन्ग मसल्स इज एसेंशियली नॉट फनी। इट माइट इवन प्रूव टू बी क्वाइट डेंजरसली डिस्ट्रैक्टिंग। मतलब वो ये ट्विटर वगैरह पे भी आप देखते हो तो पीएमओ का भी पैरोडी अकाउंट बने होते हैं। पैरोडी अकाउंट मतलब जो उसका कॉपी कह सकते हैं, कॉपी वर्जन होता है इस टाइप का। तो कह रहा वो जो पैरोडी अकाउंट है ना वो रियल अकाउंट से ज्यादा मतलब क्या ना, रियल अकाउंट है ना जो पैरोडी से ज्यादा रेडिकुलस लगता है। ये सब बातें हो रही है इसमें। ठीक है, फिर इसमें लगा कि विद द प्रेसिडेंट ऑफ सच एक्शन सेट रिसेंटली बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो रिसेंटली बोले जो वेस्ट बंगाल के सीएम ने जो एक्शन कमिट किया है ना, दिस इज एट अनदर प्रूफ दैट व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया विल थिंक टुमारो। तो इससे पता चलता है कि जो आज बंगाल सोचता है वो कल भारत सोचेगा। यूजिंग द साइबर वर्ल्ड फॉर फ्लेक्सिंग द रॉन्ग मसल्स। साइबर वर्ल्ड को अपनी मसल्स को, रॉन्ग मसल्स को डिस्प्ले करना, ये कोई फनी चीज नहीं है। इट्स नॉट अ फनी, इज रियली फनी। ठीक है, ये बल्कि और ज्यादा डेंजरस हो सकती है। चलो भैया ये पैसेज हो चुका है कंप्लीट। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर वन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज साइबर वर्ल्ड इज, साइबर वर्ल्ड है क्या? बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, आउटसाइड द परव्यू ऑफ कॉमन पीपल, नॉट टू बी गवर्न और अनगवर्नेबल। ये है अनगवर्नेबल है। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका मतलब होता है गवर्न करने की कोशिश कर रहे हैं बट वी आर फेल, वी फेल टू गवर्न, और इसका मतलब है किया ही नहीं जा सकता, नॉट टू बी गवर्न। डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, आगे देखो। द ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन दैट, ऑथर का ओपिनियन क्या है जरा पढ़ लो। ऑप्शन आपके सामने है, द सेंटर शुड स्टार्ट नेगोशिएशन विथ गूगल ट्विटर एंड फेसबुक। द सेंटर शुड हेल्प द सिटीजन एवैक्यूएट देयर सिटी। द सेंटर शुड नॉट ब्लॉक द साइट्स। द सेंटर शुड अरेस्ट द गिल्टी। नेगोशिएशन करना चाहिए कि नेगोशिएशन तो वो करते ही हैं, इसके बजाय उन्हें ये सोचना चाहिए कि शुड नॉट ब्लॉक द साइट, क्योंकि ब्लॉकिंग द साइट इज नॉट द कंसर्न। वो उससे क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, इट्स नॉट द सॉल्यूशन एक्चुअली। साइट को ब्लॉक करना सॉल्यूशन नहीं है, ये ऑथर खुद बोलता है, यही पर आंसर हो जाएगा। ये तो हमारी गवर्नमेंट करती ही है, ये ऑथर का ओपिनियन नहीं है, ये तो गवर्नमेंट करती है। द सेंटर शुड स्टार्ट नेगोशिएशन विद द गूगल, वो तो करते ही हर बार, कुछ भी घटना घटती तो वो पहले ही करते हैं। कह रहा सेंटर शुड हेल्प द सिटीजन एवैक्यूएट देयर सिटी। कह रहा सिटी के जो लोग है ना उनको सेंटर को मदद करनी चाहिए कि वो एवैक्यूएट कर पाए, भाग सके। वो पहले से ही भाग रहे हैं, इवैक्यूएशन नहीं चाहिए उनको। द सेंटर शुड अरेस्ट द गिल्टी, इसकी बात नहीं हुई है उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट क्वाइट क्लियर, तो क्लियर नहीं होता उसको नेबुलस कहते हैं। कंफ्यूज्ड, वेग, इरिडिसेंट और ग्लोइंग। तो इन सब में वेग वर्ड का मीनिंग भी यही होता है कि जो स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो। चलो
अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है कि रीड द पैसेज केयरफुली, वही चीज लिखी हुई है, वो पैसेज हमने पढ़ा था, पढ़ रखा था पहले से। उसमें क्वेश्चन क्या दिया, नाइन्थ पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर नाइन। ये सेम पैसेज का ही क्वेश्चन है दोस्तों। द ऑथर सीरियसनेस रिगार्डिंग द सिचुएशन कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, पिक द ऑड वन आउट। तो कह रहा है कि जो सीरियसनेस है ना, उसको यहाँ पर पिक करिए जरा। आवर लीडर्स शुड डिस्प्ले देयर पावर ऑफ सेंसरशिप व्हेन नीडेड। इफ दिस इज द ऑफिशियल आइडिया ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन एट अ टाइम ऑफ क्राइसिस अमंग अमंग द अमंग कम्युनिटीज, देन इंडियन हैव मोर रीजन टू फियर। हो चुका है ये। द पॉलिटिशियन डिफ्लेक्ट अटेंशन फ्रॉम देयर ओन इनकॉम्पिटेंस इट इफ अ फ्यू मॉर्क्ड इमेज एंड स्पूरियस स्टेप कैन अनसेटल एन एंटायर नेशन, देन देयर इज सम सीरियस समथिंग डीपली रॉन्ग विद द नेशन। इस चीज को लेकर ज्यादा मुद्दा था कि जो हमारे लीडर्स का जो ना सेंसरशिप की जो पावर है ना, वो रॉन्ग हेडेड है, वो नहीं होना चाहिए, उनको टाइमली वो चीजें करनी चाहिए। ये सही लिखा हुआ है कि आर लीडर्स शुड डिस्प्ले देयर पावर्स ऑफ सेंसरशिप व्हेन नीडेड, जब नीड होगी तब करो, लेकिन वो नीड नहीं भी होती ना तब भी करते हैं, ताकि लोगों को बता पाए कि देखो हमने ये कर दिया, हमने ब्लॉक कर दिया। द वर्ड स्पूरियस मीनिंग क्या होता है इसका? स्पूरियस स्पूरियस का मतलब होता है फेक, जेन्युइन, ऑथेंटिक, सब्सटेंशियल। ये तो जानते हो आप, ये नहीं है। स्पूरियस का मतलब फेक होता है, पहले बता दिया था मैंने आपको स्टार्टिंग में। अगला है, द ऑथर वॉर्न्स अस अगेंस्ट, हमें वार्न कर रहा है, नॉट प्लेइंग फॉल्स विद द सिटीजन, डेंजरस इंटरनेट इन द साइबर वर्ल्ड, नॉट यूजिंग द साइबर वर्ल्ड जुडिशियसली, नॉट प्रोटेक्टिंग द सिटीजन फ्रॉम द डेंजरस डेंजरस पॉलिटिशियन। क्या होगा सोचिए, डेंजरस इनहेरेंट ऑफ द साइबर वर्ल्ड, ये एक और ऑप्शन दे रखा है, डेंजरस इनहेरेंट इन द साइबर वर्ल्ड, नॉट यूजिंग द साइबर वर्ल्ड जुडिशियसली। किस चीज के लिए कर रहा है? नॉट प्रोटेक्टिंग द सिटीजन फ्रॉम द, यही है, सिटीजन्स को डेंजरस पॉलिटिशियन से मतलब सेव करने की बात हो रही, प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगला पैसे, अगला क्वेश्चन। पैरोडी मीन्स, पैरोडी का मतलब क्या होता है? मैंने बताया ना, जैसे नकल करने टाइप से, नकल होना उसकी, प्रॉपर ना होना। तो ट्विस्ट, जियोपार्डाइज, रेडिक्यूल, इमिटेट, इमिटेट होता है। जियोपार्डाइज जानते, देखो रेडिक्यूल और ट्विस्ट तो जानते हैं शायद, रेडिक्यूल वही हंसी मजाक टाइप का, जियोपार्डाइज मतलब खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। वॉट इज द अपोजिट ऑफ रॉन्ग हेडेड? रॉन्ग हेडेड का अपोजिट क्या है? इनसेंसिबल, इनसेन, सेन, सिली। रॉन्ग हेडेड का मतलब होता है गलत होना, गलत तरीके से, स्टबर्नेस एक तरीके से। ठीक है, तो ये देखो सिली भी नेगेटिव वर्ड है, इनसेन भी नेगेटिव है, मतलब बिना बुद्धि के यूज करना, और इनसेंसिबल इसका मतलब भी वही है कि विवेक का यूज नहीं किया। सेन का उल्टा होता है इनसेन, तो सेन का मतलब होता है बुद्धि से काम लेना। ठीक है, तो फिर यही हो जाएगा अपोजिट। द पैसेज सजेस्ट डिफरेंट वेज ऑफ कीपिंग द पब्लिक बिजी विथ इन एसेंशियल्स, पिक द ऑड वन आउट। तो कह रहा है कि भैया द पैसेज के जो सजेशन है ना, द पैसेज सजेस्ट डिफरेंट वेज ऑफ कीपिंग द पब्लिक बिजी विद द इन एसेंशियल्स। तो ये तो पैसेज में सजेशन दिया गया, ऐसा करते हैं लोग,
कि बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं कि लोगों को फालतू चीजों में बिजी रखते हैं, ठीक है। बाय ब्लॉकिंग वेबसाइट विच आर वेगली सस्पिशियस, बाय ब्लेमिंग नेबर्स कंट्रीज अक्रॉस द बॉर्डर, बाय टर्निंग द अटेंशन ऑफ द पीपल टू द वायलेंस ऑफ आसाम, बाय गेटिंग इन्वॉल्व इन अ डिस्कोर्स ऑन बायलेटरल रिलेशन। क्या आंसर होगा? ऑड लेना है, ऑड वर्ड लेके चलना है, प्रॉपर नहीं लेना, ऑड वर्ड सोचिए जरा क्या होगा। क्या होगा? ब्लॉकिंग वेबसाइट होगा या ब्लेमिंग नेवर्स नेवर कंट्रीज होगा? देखो ये तीन तो सिमिलर ही होगा ना, बाय ब्लॉकिंग वेबसाइट, बाय ब्लेमिंग नेवर्स, बाय गेटिंग इन्वॉल्व इन डिस्कोर्स ऑफ बायलेटरल रिलेशनशिप। ये तीनों तो वही बात हो गई जो हम कह रहे, बात हो रही थी कि ये तो नॉर्मली करते ही है ना ये लोग, तो ऑड कौन सा होगा? ऑड ये हो जाएगा, बाय टर्निंग द अटेंशन ऑफ द पीपल टू वायलेंस इन आसाम। तो इस चीज को अलग ले गए हम, ठीक है, अलग कर दिया इसको, इसको तो उससे कोई लेन देन है ही नहीं कि जब कोई नेबर आपको कुछ या कोई किसी तरफ से लोगों को किस तरह से फालतू चीजों में व्यस्त रखा जाता था, वो यही तरीके थे। वेबसाइट ब्लॉक करके बता दिया कि हमने कोई एक्शन लिया है ना, नेबर्स को ब्लेम कर दिया है ना, बाय गेटिंग इन्वॉल्व इन अ डिस्कोर्स ऑन बायलेटरल रिलेशनशिप। चलो अगले पे आ जाओ। द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज। द फॉलोइंग इज कितना है ये? बस ये खत्म हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये कर लो जल्दी से। द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट मेड द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज, पिक द ऑड वन आउट। चलो कर डालो जल्दी से इसको फटाफट से। क्या लग रहा है? ये हो गया 12:42 और ये हो गया होगा, तो देखिए इसमें पहले पैराग्राफ में पढ़ लो क्या लिखा था। लास्ट में पढ़ लो, ये दिया हुआ है, इट इज जस्ट एज एब्सर्ड एंड पार्ट ऑफ द सेम सिंड्रोम टू ट्राई टू बैन ट्विटर अकाउंट्स दैट पैरोडी डिस्पैच फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस टू डिस्क्राइब सच फॉर्म्स ऑफ ह्यूमर एंड डिसेंट एज मिस रिप्रेजेंटिंग द पीएमओ एज इफ ट्विटर्स वुड टेक दीज पैरोडीज फॉर जेन्युइन डिस्पैच फ्रॉम द पीएमओ मेक्स द पीएमओ लुक मोर रिडिकुलस देन इट्स पैरोडी मैनेज टू। वाह भाई वाह। चलो अब आधा उधर अपने वापस क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे कह रहा है कि फॉलोइंग द लिस्ट स्टेटमेंट मेड बाय द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज पिक आउट द ऑड वन। कह रहा है इट इज एब्सर्ड टू बैन ट्विटर अकाउंट्स दैट पैरोडी डिस्पैच फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ट्विटर टेक दीज पैरोडीज फॉर जेन्युइन डिस्पैच फ्रॉम द पीएमओ टू डिस्क्राइब सच फॉर्म ऑफ ह्यूमर एज मिस रिप्रेजेंटिंग ऑफ द पीएमओ मेक्स द पीएमओ लुक मोर रिडिकुलस द प्रेसिडेंट ऑफ सच एक्शन वॉज सेट रिसेंटली बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द बंगाल। नहीं देखो ये बात जो कही है ना सेकंड नंबर पे, ये बात सही है। इसको देखो क्या कह रहा है, कह रहे जो बात ये है कि जैसे कि ट्विटर पे पीएमओ का एक अपना अकाउंट है
और उसका एक पैरोडी बना रखा, मतलब पैरोडी मतलब उसी से उसी के जैसा न, उसी के टाइप का तो पैरोडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो पीएमओ क्या करता है, इसको बार बार बोलता है ट्विटर को, भाई इसको बैन कर दो, इसको बंद कर दो, क्योंकि ये हमारे मिस रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पीएमओ को। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई अगर वो मिस रिप्रेजेंट कर भी रहा होगा तो क्या आपको लगता है कि ट्विटर इतना, मतलब ट्विटर जो चला रहा है, हैंडल कर रहा है उसको, तो क्या वो इतने बेवकूफ होंगे कि जो ट्विटर पैरोडी है, जबकि सबको पता है कि ये नकल है उसका, रियल नहीं है, तो ट्विटर पैरोडी है, तो ट्विटर पैरोडी को वो इस चीज के लिए सीरियस ले लेंगे क्या कि नहीं यार ये जो तुम बोल रहे हो यही सही है, बाकी ये जो तुम्हारा जो ओरिजिनल अकाउंट है वो गलत है, ऐसा थोड़ी होगा। और जब आप कंप्लेन कर रहे हो उसका मतलब ये और ज्यादा रिडिकुलस लगता है कि आप कंप्लेन करने की जरूरत है कि आप वो ऑलरेडी दिखा के पिए वो पैरोडी। तो फिर ऐसी सिचुएशन में ये वाला ऑप्शन सही आंसर बनता है, टू, आंसर नंबर टू सही है जी। चलो फिर कुछ वर्ड्स भी दिखा देता हूँ आपको, दो चार वर्ड्स भी याद करवा देता हूँ, बाकी प्रॉपर तरीके से आप पढ़ाई कर ही रहे हो, ऐसे ही करते रहिएगा दोस्तों। कुछ वर्ड्स मैं आपको याद कराता हूँ, देखिए जरा। देखिए तो आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, नंबर एक वर्ड मैं यहाँ लेके आता हूँ आपके सामने है, एक वर्ड बैस मिर्च, बैस मिर्च ये वर्ब भी है और नाउन की तरह भी काम करता है, बैस मिर्च। अब बैस मिर्च का मतलब होता है कि मतलब क्या कहना चाहिए, डिफेस, डिफेम करना किसी की, मतलब किसी की छवि खराब करना, टू मलाइन समवंस इमेज, किसी की इमेज को खराब करना, तो इसका आंसर मतलब इसका मीनिंग होता है टू मला समवंस इमेज। कैसे याद करोगे, इसके टुकड़े कर लो याद करने के लिए, बैस मर्च, और बना दो बैस की जगह पर 20, और मिर्च तो मतलब मिर्ची, 20 मिर्ची। तो अब इसको याद ऐसे कर लो कि कोई बंदा है, रेस्टोरेंट है उसका, बढ़िया नया नया रेस्टोरेंट खोला उसने, और उसने एक नया कुक रखा जो फर्स्ट टाइम खाना बना रहा था, तो उसने क्या किया, सब्जी में ना, सब्जी बनाते समय उसने 20 मिर्ची डाल दी खट्टी, 20 मिर्ची। अब 20 मिर्ची सब्जी में डालोगे तो मिर्ची बहुत ज्यादा तीखी हो जाएगी, और जब 20 मिर्ची खट्टी डाल दी तो वो सब्जी बहुत तीखी हुई, और तीखी होने की वजह से क्या हुआ कि जो लोग खाना खाने आए बाद में वो लोग 4 लोगों से मिलके बोलते हैं, अरे भाई उस खाने उस होटल में खाना खाने मत जाना, बहुत तीखा खाना बनाता है, मिर्ची वाला खाना बनाता है। तो 20 मिर्च से होटल की क्या हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, इस तरह से याद कर लीजिए। बैस मिर्च मतलब किसी की बदनामी करना, टू मलायन संबंध इमेज, किसी की इमेज को खराब करना। ठीक है जी भाई, समझ गए। एक वर्ड है डिस कॉम बॉबुलेटेड, डिसकॉम बॉबुलेटेड, इसका क्या मतलब होता है, दुखी होना, अपसेट होना, टू बी अपसेट, दुखी या निराश होना, डिसकॉम बॉबुलेटेड। तो कैसे याद करोगे, अब इसको भी याद करने का थोड़ा सा अजीब गरीब तरीका है, डिस्को में बाबू लेट, इस तरह से याद कर लो कि डिस्को में बाबू लेट गया इसीलिए उसका पार्टनर उदास हो गया, दुखी हो गया, डिस्कॉम बाबूलेटेड, डिस्को में बाबू लेट गया तो उसका जो पार्टनर था वो कैसा हो गया, उदास हो गया, निराश हो गया। ठीक है जी, इस तरह से इसको याद करेंगे। एक वर्ड, एक तो हमारे 20 मर्च हो गया, एक हो गया हमारा डिसकॉम्बोबिलेटेड, एक तीसरा वर्ड है करटेल, ये आपने उसमें फाइनेंस वाले पेज पे आपको ये वाला वर्ड बार बार यूज करते हुए देखने को मिलेगा, करटेल। करटेल मतलब होता है टू रिड्यूस समथिंग, टू बी अपसेट। ठीक है, तो कर्टल का मतलब होता है कम करना, घटा देना। ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि भाई काम कर दो, हमारा भी एजुकेशन पर गवर्नमेंट ने जो है पैसा थोड़ा सा कम कर दिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना उस पे सरकार ने पैसा बढ़ाने के बजाय घटा दिया, तो
बजट जो था ना एजुकेशन डिपार्टमेंट का उसको कम कर दिया गया। तो द बजट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम हैज बीन कर्टेल्ड, तो कर्टेल मतलब कम कर देना, ठीक है। तो ये मतलब होता है, कैसे याद करोगे, टेल याद कर लो, टेल मतलब पूंछ। तो अब ऐसे मान लो कि एक कुत्ता था, उसकी पहले बड़ी बड़ी पूंछ थी, बाद में क्या करा लोगों ने उसकी पूंछ काट दी, तो पूंछ काट के कम कर दी, तो मतलब टेल को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो रिड्यूस का मतलब भी क्या, कर्टेल का मतलब भी क्या होता है, कम कर देना, कर्टेल टेल, टेल कैसा कर दिया, कम कर दिया, कर्टेल, इस तरह से याद कर लेना। अगला वर्ड है, ये मैं मिटाता चलता हूँ, है ना, आपने याद कर लिए होंगे, लिख लेना आराम से। नेक्स्ट वर्ड इज क्लैंडेस्टाइन। और इसको पूरा अंडरलाइन कर लो क्लैंडेस्टाइन को, और इसकी जगह पर लिखो की बना लो, मतलब इसकी जगह पर बोलो लैंड्स माइन। तो उसका मतलब क्या होता है, क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है समथिंग विच इज सीक्रेट, टू बी सीक्रेट। क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है सीक्रेट होना, टू बी सीक्रेट। तो कैसे याद करोगे, लैंड्स माइन, माइनिंग जानते हो आप लोग, माइनिंग होती है बॉर्डर वॉर्डर एरिया पर, जो आर्मी वगैरह के जो लोग होते हैं वहां पर आप देखते होंगे कई जगह पर माइनिंग कर देते हैं, ताकि अगर कोई चुपचाप से अगर कोई टैंक लेके आए या कोई पैदल भी आ रहा है मार्च करते हुए, मतलब आ रहा है पैदल, जैसे उसे पैर रखेगा फट जाएगा। तो जो लैंड्स माइन किया जाता है ना, वो कैसे करते हैं, छुपा के करते हैं, सीक्रेटली, दिख ना जाए, दिख जाएगा तो पैर क्यों रखेगा कोई उस पर, सही गलत है। तो क्लैंडेस्टाइन को कैसे याद करोगे, क्लैंडेस्टाइन लैंड्स माइन, तो लैंड्स माइन कैसे रखते हैं, सीक्रेट, तो क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है, सीक्रेट, इस तरह से इसको याद कर लेना। इसके बाद अगला वर्ड है मेंडिकेंट। मतलब होता है बेगर, भिखारी, बैगन मत समझ लेना, बहुत चल रहा है आजकल। मेंडिकेंट, तो मेंडिकेंट मंडी, मंडी याद कर लो, तो मंडी में कौन था, बैगर था, मेंडिकेंट मंडी में कौन था, बैगर था, बस। एक वर्ड ले लो, लिब्रंथ। लिब्रंथ मतलब मेज, भूल भुलैया, लिब्रंथ का मतलब होता है भूल भुलैया। कैसे याद करोगे लिब्रंथ को, लैब, लैब से याद कर लो, कह दो कि लैब में ना, लैब में जो था कि एक ऐसी लैब बनाई गई है जो कि जिसमें भूल भुलैया, एक बार कोई उस लैब में घुस गया तो बाहर निकलने में बड़ी दिक्कत आती थी, तो ऐसे याद कर लें लेब्रिंथ, लैब जो थी वो उसमें क्या थी, भूल भुलैया थी, लेब्रिंथ लैब में थी एक भूल भुलैया। क्लैंडेस्टाइन मतलब लैंड्समैन को रखते हैं सीक्रेट, मैंडिकेन मंडी में कौन था, बैगर, लेब्रिंथ, लेब्रिंथ का मतलब मेज, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है दोस्तों। चलिए फिर ये क्लास आज यहाँ पर एंड कर देते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, जय हिंद।